नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी डिलाइट्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा से और देखते हैं कि आज क्या कुछ रहेगा खास धारावाहिक श्री कृष्णा में। मुझे अपने गुप्तचरों से समाचार मिला है कि अनिरुद्ध सुमितपुर आया हुआ है और मुझे विश्वास है कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे इस कक्ष में अवश्य आया होगा। नहीं पिताश्री, मैं तो अपने कक्ष में अकेली हूँ। उषा अपनी भावना के अधीन हो गई है। यदि भावुक होकर उषा ने अनिरुद्ध और चित्रलेखा का रहस्य बाणासुर को बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दाओ भैया, उषा को चित्रलेखा और अनिरुद्ध के रहस्य का भेदन करने का अवसर मत प्रदान कीजिए। तो देखते रहिए धारावाहिक श्री कृष्णा रोजाना रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। अगर आप धारावाहिक संकट मोचन हनुमान का इस हफ्ते कोई भी एपिसोड मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा देख सकते हैं शनिवार को 1 बजे से 5 बजे के बीच बिंज वॉच में। बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि मैं हनुमान को शिक्षा की प्रेरणा कैसे दूं। आपकी विवशता को मैं समझ रहा हूं राजन। उन्हें बचा लीजिए गुरुदेव, वो बहुत गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकता है गुरुदेव। किंतु हुआ क्या है, कौन है वो, किन्होंने किसको बंदी बना लिया? अपने गुरु ग्रंथों को गुरुदेव। मैं तो केवल अपने उस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ जो मेरे भ्राता बाली ने अकारण मुझे दिए हैं। और धारावाहिक लाल रेखा में आज आप देखेंगे कि मानसी अपने ससुराल वापस आ गई है। मानसी कहती है कि वो अपने ससुर को सही रास्ते पर लेकर आएगी। इधर मानसी के ससुर उसके पिता के साथ एक डील करना चाहते हैं। खुश रहो, खुश। ससुर जी, एक दिन मैं आपके इन कदमों को सही रास्ते पर लाकर रहूंगी, ये मेरा खुद से वादा है। सौदा हो जाने के बाद फिर किसी गुजारिश के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। आपने मेरे साथ सौदा किया है, सौदा, और आज मैं भी आपके साथ एक सौदा करता हूं। जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि मेरी बेटी आपके घर में पत्नी का सुख पा रही है और खुश है, तब तक मेरे साथ अपने लिए किसी काम की कोई उम्मीद ना रखे। नमस्कार। तो आखिर क्या है ये डील और क्या होगा इसका असर मानसी की जिंदगी पर, जानने के लिए देखिए धारावाहिक लाल रेखा हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक शिलोंग हॉलीडे होम की बात कर लेते हैं। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि पोरी राम बाबू से पूछती है कि क्या शिलोंग हॉलीडे होम को बिकने से बचाने का कोई रास्ता है। वो जो भगवती चरण जी ने हमें चेक डोनेट किया था, वो पैसे और जो आपके बैंक में पैसे हैं उसे मिलाकर शायद हम शिलोंग हॉलीडे होम को बचा पाए। बेटा, रिपेयर्स, पेंटिंग, ऐसी की पेमेंट मिलाकर बहुत कम पैसे बचे हैं हमारे पास। तो क्या राम बाबू शिलोंग हॉलीडे होम को बिकने से बचा पाएंगे, जानने के लिए देखिए धारावाहिक शिलोंग हॉलीडे होम हर शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक धूप छांव में आज आपको देखने को मिलेगा कि मिश्रा जी डेविड से कहते हैं कि उसे अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ पर उसकी तीमारदारी अच्छे से हो पाएगी। हाँ, एक आंटी है पापा की, मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं है, पर पता है कि वो कहीं नामची के पास रहती है। उनका नाम ज्ञात है? नाम तो नहीं पता, पर पता कर सकता हूँ। अति उत्तम, तो तुम अपनी आंटी को पत्र लिखकर समस्त सूचनाएं प्राप्त करो जो वो तुम्हें दे सके, और अति शीघ्र अपने पिताजी की आंटी के पास प्रस्थान कर जाओ। मैं वहां नहीं जा सकता अंकल। तो क्या डेविड को फिर से कहीं और जाना पड़ेगा, जानने के लिए देखिए धारावाहिक धूप छांव हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।